आप देख सकते हैं। फिर से मैं यही घनवासर गांव में आपको दिखाने जा रहा हूं। टोंग टोला, ये सविता देवी, ये घनवासर का टोंग टोला है। इसी बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए हथियार से प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के पश्चात लगे ये इनसे आप जानिए, आप बीती है बताएंगे। सब पहले कोंदेले सामान हासु उतार सामान तीन दा दाड़ 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 गट्टे ले किया लो दरवाजा तके गेट तके। हां गेट तके। हां ले किया ले छोटे रा सामान समा के उठिन बाल्टी रहे बाल्टी ता मैंने पानी रहे उठा कुछ नहीं कर लो छोटू बाल्टी ता रहे उठा के छुआ जसन घुलटा ना से नियर एकदम पूरा घुलटा लगले बजा लगले से तखन मैं हमरे उठिनटा उठली उठ के ऊपर उठली ऊपर उठ के देखी लेली हो देख के यार इटा सुन ली दूसरा किया लो गिरा लोग डर डर दले इटा दले उठा लो उठा ले थिया लो उठा गिरा लोग ना हमरे सोच ली जे असन जे इटा को अंधो गिराते इटा को गिराते कोई के गिरते तो कौन सा उठा भासू रहते कोई के हमरे छंटे हमने झाप दे लियो झाप दे के यार आप सोच सकते हैं एक महिला जो कि अकेली थी और इसके साथ इस तरह का आप बीती आप सुने। जब हाथी इनका घर प्रवेश कर गया इनका बरेंडा तब इनको लगा जब दरवाजा तोड़ने के लिए आबरू हो गए हाथी तब ये सीढ़ी से उठकर छत के ऊपर से बगल का जो छप्पर है वहां पर ये फाद कर आप देख सकते हैं वहां पर खपड़ेल घर है ऊपर से छत पर से वहां पर फाद कर छलांग लगाकर और बगल का जो गली है वहां पर ये बेचारी अपना चल स्टार्ट कर। आपको मैं दिखा सकता हूँ किस तरह से हाथी अपना उत्पात मचाते हैं। ये हाथी का जो बच्चा है इसको तोड़ा है, आपको मैं रूबरू करवा रहा हूँ आज किस तरह से हमारा प्रदेश हमारा गांव आज भयाक्रांत में जी रहे हैं। एक महिला बेचारी घर पर थी, आपको यह भी दिखा रहा हूँ कि इधर से ये अपना जान बचाई। इसी सीढ़ी से इधर से ये फांद कर आई है, यहाँ से फांद कर यहाँ से उठ कर ये महिला इस तरह से उठ कर यहाँ पर आई और इस सीढ़ी से ऊपर उठी है। इसी सीढ़ी से ऊपर उठकर अपना जान बचाई है ये महिला, नहीं तो हमारे पंचायत में और एक इधर से आके ये देखिए यहाँ से ये महिला इस छप्पर पर छलांग लगाई और छप्पर पर छलांग लगाते लगा वहां से वहां गई और सामने वो जो पोल दिख रहा है उसी पोल के नीचे और एक था। ये जब उतरना चाहिए तो देख रही है वहां पर भी एक हाथी खड़ा था, उससे भी किसी तरह बच के बगल का जो घर है वहां पर ये घुस गई और ये अपना जान बचाई है ना, तो उसके वहां जाके फिर सूर को। तो ये है आपको मैं दिखाना चाहा। तो मैं आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी और हमारे यहाँ के जो मुखिया हैं हमारे झारखंड प्रदेश के हेमंत सोरेन जी से भी मैं निवेदन करता हूँ आग्रह करता हूँ कि आप लोग जितना भी सरकार का तंत्र है सभी तंत्रों को आप अगर चाहे तो इकट्ठे बुलाकर इसका कोई एक ठोस निर्णय लेकर और हमारे जो जान माल का क्षति आज हमारे हाथी कर रहे हैं इनसे हम बचाव कर सकते हैं। मैं आप सबों से और एक बार विनती करता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि हमारी व्यथा को समझे, गांव के लोगों की व्यथा को समझे और हमारे झारखंड प्रदेश की व्यथा को समझे और इसका निराकरण करें। धन्यवाद।